हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोभी की सब्जी। और मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं आलू गोभी की सब्जी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आलू दो मीडियम साइज़ का, जिसको हमने अच्छी तरह छिल लिया है और इसे छोटा छोटा काट लिया है। गोभी एक मीडियम साइज़ का, इसे भी हमने काट लिया है। और आलू गोभी दोनों को अच्छी तरह हमने धो लिया है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर, इसको हमने धो लिया है और काट लिया है। अनियन एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ, लहसुन थोड़ा सा कटा हुआ, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, तेजपत्ता दो, ऑयल 3 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून, नमक अपने स्वाद के अनुसार, रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टेबल स्पून, जीरा और काली मिर्च का पाउडर 1/2 टेबल स्पून। सबसे पहले हम गर्म पैन में ऑयल को डालेंगे, फिर तेजपत्ता, लहसुन, हरी मिर्ची को डालेंगे और इसे हल्का फ्राई कर लेंगे। ये हल्का फ्राई हो गया है। अब हम अनियन को डालेंगे और इसे भी हल्का फ्राई कर लेंगे। ये हल्का फ्राई हो गया है। अब गोभी को डालेंगे और इसे हल्का फ्राई कर लेंगे। गोभी हल्का फ्राई हो गया है। अब हम आलू को डालेंगे और हल्दी पाउडर, नमक और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब इसे 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। देखिए, ये अच्छी तरह फ्राई हो गया है। अब इसमें टमाटर, रेड चिल्ली पाउडर, जीरा और काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो गया है। अब इसे 5 मिनट के लिए कवर कर लेंगे। 5 मिनट हो गया है। अब इसे चेक कर लेते हैं। देखिए, आलू गोभी अच्छे से बॉयल हो गया है और आलू गोभी की सब्जी बन के रेडी है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और सर्व करें। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।